अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन कमाल और आज पाकिस्तानी शाहींस को जिम्बाब्वे के हाथों बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान के बॉलर्स की बात करें तो शाहनवाज जानी को आज 105 रन्स पड़ के बहुत खराब बॉलिंग करवाई पाकिस्तान के बॉलर्स ने। 385 रन्स बना दिए जिम्बाब्वे जैसी टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ। कहेंगे जी ये पाकिस्तान की ए टीम है, पाकिस्तान की ए टीम हो, बी हो, चाहे सी हो, पाकिस्तान के जो खिलाड़ी होती हैं, पाकिस्तान का जो टैलेंट होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। और जिम्बाब्वे जैसी टीम से जब आप हारेंगे तो फिर आप अपना मुस्तकबिल खुद देख लें। पाकिस्तान के बॉलर्स की बात करें तो शाहनवाज दानी को आज 105 रन लग गए, 10 ओवर करवाए और विकेट भी हासिल ना कर सके। दोस्तों बात करें मैच की तो टॉस जीतकर पाकिस्तान ने फील्डिंग का फैसला किया जो बिल्कुल गलत साबित हुआ। पहले ही ओवर में पाकिस्तान के बॉलर्स मोहम्मद अली ने विकेट निकाली, कामरान गुलाम ने अच्छा कैच पकड़ा, लेकिन उसके बाद जिम्बाब्वे के बैट्समैनों ने क्या दुआ है पाकिस्तान के बॉलर्स को, 385 रन बना डाले। बहुत बड़ा टारगेट पाकिस्तान के सामने रखा। पाकिस्तान के बॉलर्स की बात करें तो पाकिस्तान की जानब से मोहम्मद अली ने 7 ओवर करवाए और उन्होंने 32 रन दिए, एक विकेट हासिल की। शाहनवाज दानी ने 10 ओवर करवाए, 105 रन दिए, विकेट हासिल ना कर सके। अमर जमाल जो पाकिस्तान के बेहतरीन बॉलर माने जाते हैं, पाकिस्तान के लिए भी क्रिकेट खेल चुके हैं। अमर जमाल की बात करें तो अमर जमाल ने 10 ओवर करवाए, 89 रन दिए और 2 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। अब पाकिस्तान के बॉलर्स ने तो बहुत ज़्यादा रन बनवा दिए थे। पाकिस्तान के बैट्समैनों की बात करें तो किसी हद तक अच्छी बैटिंग आज देखने को मिली। पाकिस्तान ने आज 386 रन के जवाब में 353 रन बना लिए, लेकिन पहले दो मैचेस की बात करें तो पाकिस्तान के बल्लेबाज भी बुरी तरह नाकाम हुए थे। पाकिस्तान के बॉलर्स ने तो जिम्बाब्वे को 245-236 तक महदूद रखा, लेकिन पाकिस्तान के बैट्समैन उस टारगेट को हासिल ना कर सके, जिसकी वजह से जिम्बाब्वे पहले ही दो मैच जीतकर इस सीरीज में कामयाब बन गया था। और बाद में पाकिस्तान ने एक मैच जीता और उसके बाद पाकिस्तान 5वां मैच जीतने में भी कामयाब हुआ, जिससे लग रहा था कि पाकिस्तान ये सीरीज को बराबर करने में कामयाब होगा। लेकिन आज फिर बड़े मैच में पाकिस्तान को बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अगर बात करें जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों की तो मुंबई 0 रन पर आउट हुए, जिसे मोहम्मद अली ने आउट किया। और उसके बाद काया ने 79 गेंदों का सामना करते हुए 92 रन बनाए। चौकों की बात करें तो 10 चौके उन्होंने लगाए और 3 छक्के भी उनकी इनिंग्स में शामिल थे, 92 रन बनाकर आउट हुए। और उसके बाद जो धुआंधार बल्लेबाजी की वो अरबाइन ने आज फिर धुआंधार बल्लेबाजी की। इससे पहले भी वो पाकिस्तान के खिलाफ 150 प्लस रन की इनिंग्स खेल चुके थे, लेकिन आज उन्होंने 195 रन बनाए और आखिरी ओवर में वो रन आउट हुए, वरना वो 200 रन बना रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के खिलाफ अरवाइन ने 195 रन बनाए। चौकों की बात करें तो चौके अरवाइन ने लगाए थे 22 और 6 छक्के लगाने में कामयाब रहे, जबरदस्त बल्लेबाजी की। और उसके बाद सिकंदर रजा की बात करें तो सिकंदर रजा ने 15 रन बनाए, 19 गेंदों का किया था सामना, एक चौका लगाने में कामयाब रहे। और जो जिम्बाब्वे ने 385 रन बनाए। और पाकिस्तान के बल्लेबाजों की बात करें तो पाकिस्तान के बल्लेबाजों में आज हसीबुल्ला ने 35 रन बनाए, 36 गेंदों का किया था सामना, 7 चौके लगाए। उमैर बिन यूसुफ, जिससे बड़ी उम्मीदें थी, 153 रन और पिछले मैच में 89 रन बनाए थे, नॉट आउट रहे थे। आज फिर उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो एक अच्छी इनिंग्स करेंगे, लेकिन आज वो सिर्फ 6 रन बना सके, एक चौका लगाने में कामयाब रहे। रही नजीर ने आज अच्छी इनिंग्स के लिए 87 रन बनाए, 91 गेंदों का किया था सामना, 9 चौके लगाने में कामयाब रहे, एक छक्का भी उन्होंने लगाया। और कामरान गुलाम ने आज बनाए थे 56 रन, 47 बॉल्स का किया था सामना। और आज बड़ी इनिंग्स के लिए पाकिस्तान की जानब से सेंचुरी बनाई वो थे मुबशर खान। मुबशर खान की बात करें तो धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को जीतते करीब ले गए, मैच जितवा नहीं सके, लेकिन आज एक ज़बरदस्त और धुआंधार बल्लेबाजी की एक अच्छी इनिंग्स खेली मुबशर खान ने। इससे पहले भी वो अच्छी इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे, लेकिन आज बात करें उनकी इनिंग्स की तो 115 रन बनाए, 78 गेंदों का किया था सामना, चौके लगाए 6 और 8 छक्के लगाने में कामयाब रहे, बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी की, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने 353 रन बनाए। और पाकिस्तान की जानब से रहील नज़ीर ने भी 87 रन बनाए थे। और पाकिस्तान के बल्लेबाजों की बात करें तो आज पाकिस्तान के बल्लेबाजों में दमखम नज़र आया, अच्छी बैटिंग की। और पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन मानी जाती है दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग लाइन, आज जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ भी अच्छी बॉलिंग ना करवा सके, 385 रन बना दिए। लेकिन पाकिस्तान के बल्लेबाजों की हिम्मत की दाद देना पड़ेगी, जिन्होंने 353 रन बनाए आज, लेकिन 32 रन से पाकिस्तान जो मैच हार गया और जिम्बाब्वे सीरीज जीत गई, 4-2 से अपने नाम की है ये सीरीज। लेकिन इससे पहले टेस्ट सीरीज पाकिस्तान ने अपने नाम की थी और वनडे में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है पाकिस्तानी शहींस को। दोस्तों आज के जो हीरो हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है, वो मुबशर खान 115 रन बनाए, 8 छक्के भी उनकी इनिंग्स में शामिल थे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।